जी हाँ दोस्तों, आज डेट है 28 अप्रैल सन 2024 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दोस्तों कॉलोनी गेट पे, शाह फैसल कॉलोनी का हिस्सा है दोस्तों ये भी। ये ब्रिज बना हुआ मेरे सर के ऊपर और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो हमने कहा चला आज रेल फेनिंग करते हैं जाके। यहाँ जिस जगह पे मैं आया हूँ हवा के हिसाब से बड़ा मशहूर है ये जगह। हवा आप देख सकते हैं अभी तो इस वक्त हवा चल रही है, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, टेम्परेचर भी आज ज़्यादा है, गर्मी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो दोस्तों इसलिए आज मैं आया था कॉलोनी गेट के पुल के नीचे, मैंने कहा चलें यहाँ से ट्रेनों को कैप्चर करेंगे, ज़बरदस्त किस्म के लाइव एक्शन आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी हमारा पहला जो एक्शन होगा दोस्तों वो होगा कराकरम एक्सप्रेस का 41। अब कराकरम एक्सप्रेस कराची से लाहौर के दरमियान चलती है, ये कैंट से निकल चुकी है दोस्तों राइट टाइम 3 बजे और उसकी लीड पर है GU90449044। तो दोस्तों अभी वो आपको दिखाएंगे और भी बहुत ज़्यादा ट्रेनें आप कैप्चर करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फाइव भाई मोहम्मद, जी दोस्तों आज का दूसरा एक्शन है मेरे पास इस्लामाबाद से कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाउन, जिसकी लीड पर है दोस्तों GU ग्रीन लाइन 6 डाउन इस्लामाबाद से कराची के दरमियान चलती है दोस्तों। ज़बरदस्त जी दोस्तों, ये थी ग्रीन लाइन जो कि आपने अभी देखी दोस्तों, ज़बरदस्त स्पीड के साथ यहाँ से रवाना अपना डिपार्ट हुई है। तो दोस्तों अगर मैं ग्रीन लाइन की थोड़ी सी आपको किराए की नॉलेज डाल दूँ, ग्रीन लाइन है दोस्तों अगर इसी इकोनॉमी क्लास में हम कराची से लाहौर तक का सफ़र करेंगे तो आपको उसकी बर्थ है 4,750 रुपये की, और दोस्तों अगर इसी स्टैंडर्ड में सफ़र करेंगे तो उसकी बर्थ है 8,900 रुपये की, और अगर बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे तो उसकी बर्थ है 11,700 रुपये की। तो ये है दोस्तों कराची से लाहौर तक का ग्रीन लाइन का किराया जो कि मैंने सामने आपके रखा है। अब जैसे जो गाड़ी दोस्तों आएगी मैं उसकी मज़ीद आपको अपडेट दूंगा, उनके किराए क्या हैं और उनके स्टॉपेज क्या हैं और कितने बजे पहुँचती है। जैसे ग्रीन लाइन है रात को 10 बजे चलती है और दोपहर को 3:30 बजे लाहौर का इसका राइट टाइम है। इसी तरह इससे पहले कराकरम गई थी दोस्तों, उसका भी 3 बजे का दोपहर का टाइम है और वहाँ पर लाहौर पहुँचती है तकरीबन 10 बजे, और उसकी कराकरम की बर्थ है दोस्तों 4,000 रुपये की इकॉनमी क्लास की, और इसी स्टैंडर्ड की बर्थ है उसकी 6,250 की, और उसकी बिजनेस क्लास है दोस्तों 8,900 रुपये की। यानी कि जो बिजनेस क्लास कराकरम की 8,900 रुपये वो ग्रीन लाइन का ऐसी स्टैंडर्ड है, क्योंकि ग्रीन लाइन थोड़ी प्रीमियम ट्रेनों में आती है इसलिए दोस्तों उसका फेयर थोड़ा ज़्यादा रखा है, सर्विस भी अच्छी है उसकी। तो ये थी दोस्तों अभी तक की मालूम। अब जैसे जो गाड़ी आगे आपको उसकी मालूम देंगे, अभी मजीद लाइव एक्शन है 9 अप्लाउबल एक्सप्रेस 33 पार्टी एक्सप्रेस अभी हमारे उसमें है, वो भी आने वाली है दोस्तों, जैसी वो आती है उसका आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों आज का तीसरा एक्शन है हमारे पास कराची से सयालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि कराची से डिपार्ट होती है कराची के अंदर 3:30 बजे, और इसकी लीड पे है दोस्ती ZCU चाइना का लोकोमोटिव 6352।
दोस्तों ये थी 9 अपन लॉन्ग माइल एक्सप्रेस कराची के सियालकोट के दरमियान चलती है दोस्तों। इसकी भी किराए की मैं बात कर लूँ आपसे दोस्तों। इसमें एसी स्टैंडर्ड या बिजनेस ऐसी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ टोटली इकॉनमी क्लास पे मुश्तमल है दोस्तों। और इकॉनमी क्लास की अगर मैं बर्थ की बात करूँ इसकी कराची से लाहौर के दरमियान इसकी बर्थ है दोस्तों 3150 रुपये, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। इसका कम किराए वाली गाड़ी है दोस्तों ये, और अच्छी गाड़ी है। और इसके स्टॉप है दोस्तों यहाँ से लांडी, कोटरी, हैदराबाद, हैदराबाद से टंडो आदम, नवाब शाह, मेहराबपुर, गंबट, रोड़ी, सादकाबाद, रहीम यार खान, बावलपुर, खानपुर, लोधरा शहर, जानिया, खानेवाल, सायवाल, ओकाड़ा, पतोकी, रायवंड, कोटपत वगैरह से होती हुई लाहौर का अपना सफ़र अख्ताम करती है दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग कॉलोनी गेट के पुल के नीचे खड़े हैं, इसका मैं आपको कुछ व्यू करवाऊँ। मेरे ऊपर आप देख रहे हैं जो ब्रिज जा रहा है वो सीधा शाह फैसल उतर रहा है, ये आप देख सकते हैं। गर्मी बहुत है लेकिन दोस्तों जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इतनी कोई हवा है कि गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, पता भी नहीं चल रहा टाइम कैसे गुजर रहा है। 2 से 4 भी बज गए लेकिन दोस्तों गर्मी का हमें एहसास नहीं हो रहा क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। आज का हमारा चौथा एक्शन है दोस्तों 149 मेहरान एक्सप्रेस कराची से मीरपुर खास के दरमियान चलती है। ज़बरदस्त एक्शन दोस्तों 149 मेहरान एक्सप्रेस के। इसका अगला स्टॉप है दोस्तों लांडी, फिर जंगशाही, फिर कोटरी, फिर हैदराबाद, फिर टंडो वाला यार खान से होती हुई मीरपुर खास। जी दोस्तों रेल पेनिंग का सिलसिला जारी है दोस्तों। अभी मैंने ट्रैकर पर देखा टाइम में तकरीबन हमारे टाइम है कुछ 30 से 45 मिनट, इतना ही है 45 मिनट तो दोस्तों फिर हमने सोचा हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक थोड़ा सा पीछे की तरफ निकलते हैं, शाह फैसल अंदर जाते हैं शाह फैसल में, तो देखते हैं क्या अवेलेबल है खाने का दोस्तों। थोड़ा बहुत खा पी के दोबारा आपसे यहीं से रेल फेयरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ यहाँ पे खा के आते हैं। मैंने बड़ा मशहूर हलीम की यहाँ पे तारीफ सुनी थी, मुझे किसी ने बताया था कॉलोनी गेट के बैक साइड पर एक मशहूर हलीम है, किसी और इलाके से आके वो यहाँ पे लगाता है और सिर्फ इतवार इतवार आता है, ये भी कम बना दो। चले दोस्तों आइए उसी का हलीम भी टेस्ट कर लेते हैं आज, और भूख भी लग रही है तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वहाँ। जी दोस्तों हम लोगों को थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने कहा चले यार यहाँ पीछे बैक साइड पर बड़ा मशहूर हलीम वाला है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो चलिए आइए इसका हलीम भी टेस्ट करते हैं। भूख भी लग रही है और फिर अभी ट्रेन भी आने वाली है, अभी उसको भी कैप्चर करते हैं। अभी हमें थोड़ा ट्रेन में टाइम है, हमने कहा चले इतनी देर में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके आ जाएँ। क्यों भाई भाई साहब चले हलीम रोटी खाएँ फिर चले दोस्तों हम खाते हैं हलीम रोटी। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारी हलीम की प्लेट आ गई है और ये साथ उसके गरम गरम रोटी। तो चलिए अभी पहली बाइट लेके देखते हैं। ये पे चिरकते नींबू, खुशबू तो बड़ी अच्छी बता रही है दोस्तों, शक्ल भी अच्छी नजर आ रही है। जी दोस्तों ये थी कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस जिसकी लीड पे था GMU 30 82 15। ये देख रहे हैं दोस्तों ये आ रही है क्रेन, ये
ट्रेनें जैसे डीरेलमेंट हो जाती हैं, पटरी से उतर गई या ऐसा कुछ भी वाक्य हो जाता है, तो उसमें ये फिर ये वाक्य ट्रेनों को दोबारा अपनी पटरियों पर चढ़ाती है। जी दोस्तों, टाइम हुआ है 5:45 और अब आप देखेंगे कराची से लाला मूसा सरगुदा के दरमियान चलने वाली 17 अब मिलत एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर जेट सी यू। ज़बरदस्त विस्लिंग के साथ दोस्तों 17 अब मिलत एक्सप्रेस पास हुई है कॉलोनी गेट के पुल के नीचे से, और इसका रूट है दोस्तों कराची से खानेवाल से कट जाती है वजीराबाद ब्रांच लाइन पे, वहाँ से फिर ये रूट है इसका शोरकोट गोजरा फैसलाबाद सरगोदा मंडी बहावलदीन डींगा और फिर लाला मूसा पे इसकी मंजिल एंड होती है दोस्तों। और इसके किराए की बात करूँ दोस्तों तो उसका लाला मूसा तक की बढ़ते इसकी 3500 रुपये की और उसकी फैसलाबाद की बढ़ते 2850 रुपये की। दो बिजनेस क्लास के अंदर होते हैं दोस्तों, और ये हमारे फाइक भाई गायों का तजुर्बा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं गौर से कौन सी अच्छी है। कहाँ भाई फाइक भाई, गायें पसंद आ रही है कोई? सारी अच्छी लग रही है। सारी अच्छी लग रही है, अच्छी ज़बरदस्त जगह यार फाइक है। यहाँ पे रेल फेनिंग का भी मज़ा आ रहा है यार, पहली बार आए इस जगह पर। नहीं जी दोस्तों, टाइम हुआ है 6:10 और हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का ड्यूल एक्शन मौजूद है। आप सामने से मेरे देख रहे हैं 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पिशावर से कराची के दरमियान चलती है, जिसकी लीड पर है GU90 और उधर से दोस्तों अप साइड से आ रही है 7 अप तेजगाम जो कि कराची से पिंडी की साइड चलती है। आइए पहले रहमान बाबा एक्सप्रेस का देखते हैं 90-19 की पावर। अब तेज काम इसकी रेट पे भी G90 वाली पावर है दोस्तों। ये थे दोस्तों दो ज़बरदस्त एक्शन ड्यूल एक्शन 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का और 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस का। ज़बरदस्त किस्म का तेजगाम जा रही है दोस्तों लाहौर और पिंडी की तरफ, और रहमान बाबा पिंडी और लाहौर से होती हुई कराची कैंट की तरफ जा रही है। जी दोस्तों, टाइम हुआ अभी 6:30 और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे दावत चाहेंगे कैसी लगी आपको हमारी रेल फेलिंग। ज़बरदस्त किस्म के लाइव एक्शन कराकरम ग्रीन लाइन अलामकबाल तेजगाम मिल्लत रहमान बाबा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अब हमारा भी 6:30-12 बजे से हम आए हुए थे, अब 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, अब हम भी अब घर की तरफ चलेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ज़रूरत है हमें सब्सक्राइबर की और व्यूवर्स की। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।